प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा देर रात पहुंचे शिवपुरी, जोरदार हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं की बैठक ली। खबर शिवपुरी जिले से आ रही है। यहां पर आधी रात को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शिवपुरी पहुंचे। शिवपुरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने होटल टूरिस्ट विलेज में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा संगठन पूरे देश में आदर्श संगठन के रूप में जाना जाता है। सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करते हैं। जिले में नगरीय निकाय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक भाजपा का परचम लहराया है। अब सब भाजपा कार्यकर्ताओं की वजह से ही ये हुआ, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता अपनी क्षमताओं से भी ज्यादा संगठन के लिए कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता संवेदनशील भाजपा से उत्प्रोत कार्यकर्ता है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के अंदर चुनकर जाते हैं तो दुनिया दिल्ली के अंदर पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जीत कर इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगर मैं प्रधानमंत्री रहा हूं तो उसके पीछे अगर किसी का श्रेय है तो बूथ बूथ पर काम करने वाले मंडल व जिले में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिनकी मेहनत के कारण आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। जब जी मीडिया के साथ मैं इंटरव्यू में बैठा था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको ये कहा कि आप लोग शायद भ्रम में रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन केवल कहती नहीं है, ये कार्यकर्ता आधारित संगठन इसलिए है। और मैंने उनको कहा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर हम बूथ सशक्तिकरण का अभियान लेके निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो इस भारत के सर्वाधिक सम्यक, यानी माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत में इतने समय तक कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का नहीं रहा, वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे किस बूथ पर काम करने के लिए जाना। मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस देश के हमारे इतने बड़े नेता हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो मुझे फोन करके पूछते हैं कि अध्यक्ष जी मुझे किन बूथों पर जाकर के बूथ विस्तारक अभियान में भाग लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सोचा जी हमारी लोकप्रिय विधायक है यहाँ की, वो इस काम के लिए किन बूथों पर मुझे जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम की विशेषता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा कार्यकर्ता संवेदनशील भावनाओं से ओतप्रोत जो कार्यकर्ता है, और उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के अंदर चुन करके जाते हैं तो दिल्ली के अंदर पहले संबोधन में उन्होंने जो कहा कि ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जीत करके इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगर मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं तो उसके पीछे अगर किसी का श्रेय है तो बूथ बूथ पर काम करने वाले मंडल और जिले में काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं का योगदान है कि जिनकी मेहनत के कारण से मैं आज यहां पर पहुंचा हूं।